जिंदगी या कैरियर में तरक्की के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने की ज़रूरत होती है और इस तरीक़ाकार को दिन के बेशतर हिस्से पर अपनाना होता है। अगरचा ये कोई आसान काम नहीं मगर आप कम वक्त में काफ़ी हद तक अपने तय करदा काम मुकम्मल कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि आपने अपनी ज़ात को चंद बुरी आदत से तबाह ना कर दिया हो, क्योंकि बेमकसद और फजूल आदतें ही अक्सर हमारे तबाही का सबब बनती हैं। आज हम ऐसी ही कुछ आदत की निशानदेही करेंगे जिन्हें तर्क कर देना ही बेहतर है। आजकल के दौर में बेशतर अफराद को दफातर में इंटरनेट की सहूलत आम मयसर है। फितरी जस्तजू की बिना पर इंसान के जहन में उठने वाले सवालात के जवाबात इंटरनेट के जरिए तलाश करना कदरे आसान होता है। ताहम माहरीन के मुताबिक ऐसा करना दफ्तरी कामों को मुतासर करता है। अगर आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें किसी जगह पर लिख लें और अपने काम के दौरान इनकी तलाश से गुरेज करें। इस तरह आप अपने कामों को बरवक्त और मुअस्सर तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। हम में से बेशतर अफराद का मानना होता है कि वो बैक वक्त दो या दो से ज़्यादा काम बेहतरीन अंदाज से सर अंजाम दे सकते हैं, मगर साइंसी तहकीक से मालूम होता है कि हम में से सिर्फ 2% अफराद ही ऐसे हैं जो एक वक्त में ज़्यादा कामों को मुअस्सर तरीके से सर अंजाम देने के अहल होते हैं। बाकी बेशतर लोगों के लिए ये एक बुरी आदत है जो तवज्जो की सलाहियत को कम करती है और तवीलुल मियाद बुनियादों के लिए हमारे कामों को मुतासर करती है। इसलिए जिस काम में आप महारत रखते हैं बस वही अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। इंटरनेट तक रसाई होने के नतीजा में लोगों के अंदर दिन भर ईमेल को देखना और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिसके नतीजा में दिन भर इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारा बहुत सारा वक्त ज़ाया कर देता है। जबकि साइंसी तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलसल सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी जहानत पर मनफी असरात मरतब करता है। लोग अक्सर अपने दिन का आगाज़ आसान कामों को मुकम्मल करके करते हैं और मुश्किल काम को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं। इस बुरी आदत की वजह से अक्सर हमारे अहम काम मुकम्मल नहीं हो पाते। तहकीक के मुताबिक लोगों की कुव्वत इरादी दिन में वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती चली जाती है, जिस वजह से हमारे ज़रूरी काम मुकम्मल नहीं हो पाते। इसलिए अपना अहम काम दिन के शुरू में ही मुकम्मल कर लें। काम की रवानी को जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासर करती है वो गैर ज़रूरी मुलाकातें या मीटिंग्स होती हैं। जब ईमेल, टेलीफोन, इंस्टेंट मैसेजेस जैसे टूल्स इंसान की पहुंच में हों तो लोगों से मुलाकातें सिर्फ और सिर्फ संजीदा मामलात और बातचीत के लिए ही की जानी चाहिए, ताकि आप अपना कीमती वक्त अपने ज़रूरी कामों के लिए बचा सकें। माहरीन के मुताबिक पूरा दिन बैठने की बजाय कुछ देर बाद उठकर चहलकदमी करना ज़्यादा बेहतर होता है। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, इससे सेहत बेहतर होती है और इंसान के जिस्मानी अज़ा बेहतर तरीके से काम करते हैं। बेशतर लोगों का सोचना होता है कि मुतअद्दिद मकासद तय करना कामयाबी के हसूल का बेहतरीन रास्ता है। अगर एक इरादा नाकाम हो तो दीगर का तो इंतहा किया ही जा सकता है, मगर बदकिस्मती से ये सोच इंतहाई नाकस है। माहरीन के मुताबिक अपने मकासद की एक लिस्ट बनाएं और बेशक का मकासद तय करें जो आपके ख्याल में बहुत ज़रूरी हैं या नज़रअंदाज किए जाने के काबिल हैं और बस। बेशतर पुरजोश और मुनज़्ज़म अफराद अपने दिन के हर घंटे की मनसूबाबंदी करते रहते हैं, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए मनसूबाबंदी से हर काम मुमकिन नहीं। बीमारी या गैर मुतवक्का काम पूरे दिन के शेड्यूल को कचरे का ढेर बना देते हैं, इसलिए हर रोज़ 4 से 5 घंटों की मनसूबाबंदी की कोशिश करें और उसमें भी लचक ज़रूर रखें।
طویل المیاد مقاصد کے حصول سے پہلے اس کام کے بارے میں تھوڑی منصوبہ بندی ضرور کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوں اور درمیان میں اچانک کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو یہ انتہائی دل شکن، تجزیہ اور وقت کا ضیاع ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا کسی بھی کام کے حصول کی کوشش سے پہلے ہمیں منصوبہ بندی کر کے اسے اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے سمارٹ فونز، ٹیبلٹس اور لیپ ٹاپ کی ایل ای ڈی نیلے رنگ کی روشنی خارج کرتی ہے، جو مختلف طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق بینائی کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایک ہارمون کی پیداوار کو متاثر کرتی ہے، جو کہ نیند آنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس ہارمون کی کمی کے شکار افراد میں ڈپریشن جیسے مرض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اور اکثر رات کو وہی باتیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں جو ہم سمارٹ فونز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا سونے کے وقت دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔